आई मीन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो अहमियत दी जाती है उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, और ये सब चीज़ें के थ्रू अगर आप किसी को हेल्प कर सके उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब एट द सेम टाइम मिल रही है। तो हाँ, बस यही रीज़न है मोस्टली, मेनली जो है, और मोर देन एनीथिंग कोरियोग्राफर्स है जिनके साथ हम इतना काम करते हैं और आई मीन जितना सीखते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें चांस मिला कि यहाँ रहने का और उनकी गेम्स देखने की, तो मज़ा आ रहा है। सिर्फ कोरियोग्राफर भी नहीं है इसमें, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है और डांसर्स भी है, ये सब मिल के कर रहे हैं। मेरी एक ही विनती है हमारे गवर्नमेंट से कि ये जो कोरियोग्राफर्स है, असिस्टेंट्स और डांसर्स, इन पर ध्यान दिया जाए। ये वो वर्कर्स है जो अपने बदन को जलाते हैं, फिजिक को जलाते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं। आज अगर फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो इनको उस चीज़ में बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब एक एज के बाद बदन घिस के वो कुछ कर नहीं पाते, तो शायद ये यूनियन है, ये गवर्नमेंट्स है, वो उनके लिए कुछ करे। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है अभिमन्यु और संजय, हम लोग आए हैं यही सोच के कि मदद मिले गवर्नमेंट के तरफ से, हमारे जो यहाँ पे डांसर्स है और जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर और कोरियोग्राफर्स है जो इतना मेहनत कर रहे हैं। कई लोग हैं जो सिर्फ देख रहे, यंगस्टर्स खेल रहे, इनको बहुत सारा मदद चाहिए आगे जाके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद शायद ये वो डांस नहीं कर पाए या कोरियोग्राफर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर्स। तो और ये जो इवेंट रखते हैं, कभी क्रिकेट होता है, कभी फुटबॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती यहाँ पे, ये सब एकजुट हो रहे, ये बहुत अच्छा है। ये एकता हो, हर डांस मास्टर, हर असिस्टेंट कोरियोग्राफर और डांसर्स ये सोच ले कि हम एक हैं, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनके यूनियन पे ध्यान दे, उनके लोगों पे ध्यान दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं ठीक है सर, सब ठीक है, उनसे बात करके मतलब से कि उन्हें को क्यों क्रेडिट नहीं दिया जाता है, कई बार फिल्मों में क्रेडिट नहीं मिलता है, उनका एक चिंता, साथ ही साथ कि अगर पेंशन या इस तरह की चीज़ें स्कीम से लोगों को जोड़ सके। मैंने जो कहा ना कि गवर्नमेंट ध्यान देगी तो सब कुछ उसमें ही आ जाएगा, एक ही चीज़, मैंने डायरेक्ट मुद्दे पे बात की, वो नाम की पेंशन इस पर नहीं। अगर डांस मास्टर, डांस जो बदन को, इवन नॉट डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, जो अपने बदन को जलाते एक एज के बाद, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हर यूनियन पे गवर्नमेंट का ध्यान हो, उनको उनकी मदद करें, उनको इंश्योरेंस दें, उनको मेडिकल दें, उनको बहुत सारी चीज़ें करें, गवर्नमेंट ध्यान दे, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ये ऑफिस का जॉब नहीं है कि 8 घंटा बैठे 12 घंटे, ये 12 घंटे सुबह से लेकर रात तक अपने बदन को जलाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत 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 सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, मैं जितने हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मतलब इनके आगे रह के काम किया है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, आर्टिस्ट है, ये ध्यान दें वो वर्कर्स पे, उनके लिए बहुत कुछ करें। ये जो इनोसेंट इन लोग फुटबॉल का ले रहे, क्रिकेट का ले रहे, वैसे मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्टार्स, डायरेक्टर पूरे इंडिया में वो शोज करें, उधर से फंड आए, उधर से इनकी मदद करें, इनको हेल्प करें, जितना इनको मदद करें उनका फिजिकली, उनको आगे जाके उतनी मदद मिलेगी। सर, मास्टर जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है, इनफैक्ट अभिमन्यु ने बहुत कुछ कर लिया। मैं को इतना ही बोलना है कि इफ्टी का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी जो इन्होंने ये जो फुटबॉल मैच किया है ना ऑर्गेनाइज, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा क्रिकेट करते करते रहते, तो अभी इस बार फुटबॉल किया। अभी फुटबॉल के लिए एक रीज़न था कि यहाँ पे कुछ फंड्स जमा हो जाए और यहाँ के हमारे जो पुराने डांसर्स हैं, जितने थोड़े से एजड डांसर्स हैं, वो लोग घर पर बैठे हुए, तो उनको कुछ धनराशि मिले। एंड मैं जैसे सर ने बोला वो बराबर है, आज हम सबको एक कोरियोग्राफर को एक हमेशा एक दर्जा चाहिए होता है जो हमको नहीं मिलता है आजकल,
मतलब आज एक फिल्म बनाने के लिए कोरियोग्राफी भी बहुत ज़रूरी है, एक गाने की बहुत ज़रूरी होती है, तो उस पर कोरियोग्राफी की बहुत ज़रूरत है, तो वो हमको उसका वो बोलते ना नाम नहीं मिलता है उस चीज़ का, हमारा नाम जुड़ता नहीं, जब मेन एचओडीज में कभी नाम ऐसा जुड़ता नहीं जैसा जुड़ना चाहिए। अभी मास्टर जी है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का नाम एकदम एंड में आता है नहीं आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। मैं तो कितने बार ट्रेलर्स में देखा, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गया, अब इनका हमारा नाम आता ही नहीं है। भाई मास्टर जी इतना गाने करते, और मेरे को बताओ एक पिक्चर में एक गाना हिट होता है, फिर पिक्चर फ्लॉप होती है लेकिन गाने हिट होते हैं, मुझे बताओ। तब सब नाम बोलते गाना अच्छा, गाना अच्छा, गाना अच्छा, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ऐसा कोरियोग्राफ किया, लेकिन इनका नाम किधर है, मतलब नाम आता ही नहीं है। वो नाम बहुत ज़रूरी है हमको, और मास्टर जी जैसे बोले कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी उतना ही योगदान है, यू नो, एक पिक्चर बनाने के लिए। जैसे प्रोड्यूसर लोग तो बहुत पैसे कम बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इन लोग को वही जो हमको जो डेली वेजेस का है वही हमको मिलता है, दूसरा कुछ मिलता है, लेकिन वही बोल रहे नाम मिल जाए तो अच्छा है, काम को तो चलो पैसे तो मिलते हैं लेकिन नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इफ्टिका को मैं कंग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड मतलब हमारे जो कमिटी मेम्बर्स है सारे लोग ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को, एंड उसके लिए मैं बोलते हैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी एक फिल्म आ रही है एंड ऑफ द ईयर, नौ सीखिए, जिसमें श्रेया धनवंतरी है और मोल पराशर है, लायंस गेट ने प्रोड्यूस की है, उनका फर्स्ट बैच ऑफ फिल्म्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किया वो है, रेडी है, बस रिलीज़ की वेट कर रहा हूँ, तो एक बार वो हो जाएगा फिर मैं आगे दूसरे की बात कर सकता हूँ, पर अगले साल भी दो है। मेरे तो अभी पुष्पा टू आ रही है, बहुत बड़ी देवरा सभी को नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन गायकवाड़ है, मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। बेसिकली ये हमारा मतलब जब से हमारे टेन्योर में ये हमारा तीसरा चौथा इवेंट है, तो हम लोग हमारे सारे जितने भी कोरियोग्राफर्स है उनकी यूनिटी बनाने के लिए हर दो महीने में तीन महीने में इस तरह के इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं। और आज के इवेंट का एक और भी एक मकसद है कि हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, जो नीडीज मेंबर्स है, जिनके फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस इवेंट के जरिए सबको इकट्ठा करके कुछ थोड़ा बहुत फंड जनरेट करके हम उनकी हेल्प करने का आज का बेसिक मकसद हमारा यही था आज के इवेंट का। तो हम लोग इसी तरह कुछ ना कुछ टीम के साथ मिलकर ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं मेंबर्स के हित के लिए, मेंबर को यूनाइट करने के लिए बेसिकली। फ़ायदा काफ़ी लोग को हुआ है, और अभी हमारे से पहले एक और टीम थी, अभी हम लोग तीन महीना पहले ये फ्रेश टीम आई है, इससे पहले भी हम लोग कमिटी में रह चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, बट तभी भी हम लोगों ने अभी पिछले साल ही एक MFCL किया था, बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट किया था, इसी तरह सारे सेलिब्रिटी ने उस टाइम पे भी हेल्प किया था, उस टाइम पे भी हमने नीडी कोरियोग्राफर्स को, हमारे जो सीनियर कोरियोग्राफर्स उनको काफ़ी सारी हेल्प की थी, इस बार भी कर रहे हैं, हर इवेंट में हम लोग कोशिश करते हैं, और ये तीसरा चौथा इवेंट है मेरे ख्याल से, तो इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोगों ने सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमें सपोर्ट दिया, हमारे मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश की, उसके लिए आपके ज़रिए मैं सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। कोविड के समय बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, इंट्रोडक्शन तो, और सॉरी उसके पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम जीत सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का। कोविड के समय हमारे तभी जनरल सेक्रेटरी थे गणेश आचार्य, और हम सब टीम में थे, जॉइंट सेक्रेटरी में था, और उसके बाद में सारी चीज़ें जो दिखी, थोड़े एक महीने के लिए प्रॉब्लम, दो महीना, ऐसे करते करते कोविड के समय तो सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। उस समय हमको बॉलीवुड से कोई राहत नहीं मिली,
हमारी पूरी कमिटी ने डिसाइड किया तब कि हम अपने मेंबर्स के लिए ना हेल्प करें। तो उस समय हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 5,000 रुपीस सबको भेजा, जितने भी मेंबर्स नीडी थे और ज़रूरतमंद थे जिन्होंने हमको अप्रोच किया, और सारे लोग मोस्टली सभी लोगों को पहुंचा। उसके बाद में हमने 3,000 किया, फिर कुछ मेंबर्स जो पार्टली पेड मेंबर्स थे उन लोगों को भी हमने, जैसे कि इंसानियत वाली बात आ जाती तो उसको हम लोग ने पहले बरकरार रखा, उसको आगे रखा, और हमने उनको भी हेल्प किया। एक हेल्प हम लोगों को आया, वो है कूपन आया था ना शायद, अच्छा कूपन दिया गया था दूसरे एसोसिएशंस को, जहाँ तक हम लोगों को सुनाई दिया था, तो हमको लगा कि हमारे पास भी आएगा, बट हमारे एसोसिएशन क्या है फेडरेशन के साथ में एफिलिएटेड नहीं थे, जिसके वजह से वो चीज़ें हमको नहीं मिली, वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। लेकिन हम पूरी एसोसिएशन मिल के ना अपने मेंबर्स के लिए काफ़ी कुछ उस समय कोविड में हेल्प किए अपने मेंबर्स को। जी जी, ऐसा था कि ऐसा है अभी भी, सरकार से हम बहुत सारी चीज़ें मांगना चाहते हैं। हमारे तो पहले तो हेल्प ऐसा चाहिए कि सब्सिडी मिले हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में। हम सब कई सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। और अभी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने क्या किया है कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये लेके आ गई है, जिसके वजह से हम जो 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट, उस तरह का काम का अड़चन हो रहा है, क्योंकि है ना किसी के भी पास अगर वो नहीं भी जानकार हो, अनप्रोफेशनल भी हो ना, उसको काम करने के लिए मिल जाता है ना तो कर ले रहा है। लेकिन हम प्रोफेशनल को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जो 10 रुपये लेते थे अब यहाँ पर 4 आने में भी लोग काम कर ले रहे हैं और काम भी ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड में भी तहलका जो मचा हुआ है अभी, कि बॉलीवुड आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, और साउथ की जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है, उसका यही रीज़न है कि वहाँ पर एकता भी है और सारे लोग मिल के उसको रन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ अपने अपने में ही सब लगे हुए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करने के लिए ना गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। और प्रमोद जी भी कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके बारे में उनको भी मालूम है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद कराडे है, मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन में ट्रेजरर की पोस्ट पे, जहाँ की अभी हमारे प्रेसिडेंट ने, जनरल सेक्रेटरी ने लगभग सारी बातें कवर कर ली है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही एक बहुत अहम मुद्दा है। गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट बॉडी जो बोलती है कि ये सही है, ये हमारा रूल है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको इसी दायरे में काम करना चाहिए, यही दायरे में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे किसी भी काम की सेफ्टी गारंटी गवर्नमेंट कभी भी नहीं लेती। जैसे अभी आपने CCI का रूल आ गया कि जिसके पास आधार कार्ड है वो काम कर सकता है, तो अभी मैं ये सवाल, आप भी एक स्किल्ड वर्कर है, आपकी जगह पे यहाँ पर कैमरा लेके कोई और तो खड़ा हो नहीं सकता है। अभी जिसको खाली कैमरा लेके खड़ा हो सकता है उसको तो खड़ा नहीं कर सकते ना, तो हर एक अपने चीज़ों की सबकी अहमियत होती है, जिसको करने का स्किल होता है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी आधार कार्ड वाला काम कर सकता है, ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं, हमारी सेफ्टी का क्या? अगर कोई भी आदमी काम करता है स्किल वाला, उसकी पेमेंट की गारंटी, उसकी सिक्योरिटी, उसका इंश्योरेंस की गारंटी तो गवर्नमेंट नहीं लेता है। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जब भी, ये मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया है, हमारा जब भी इनकम टैक्स या लोन के लिए भी हम लोग जाते हैं, हम लोन करके जाते हैं, तो यार आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बावजूद हम लोग का TDS तो कट के जाता है उतना ही, हम तो उतना ही देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमको ये अलग से क्यों देखा जाता है? ये प्रॉब्लम बहुत होते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हमारी तरफ भी एक ये ऐसी होगी कि बॉलीवुड एंटिटी एक साइडलाइन की जाती है। पहले मेरे ख्याल से आज से 20-25-30 साल पहले अगर कुछ भी बड़ी दुविधा आती थी तो बॉलीवुड यूज टू लाइक पहले खड़ा हो जाता था,
कि ये फलाने ने इतना ये किया, ऑर्गेनाइज किया, अब आप हमको ही दूर कर लिए तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है अभी। बॉलीवुड इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस। एक और बोलना चाहेंगे? यस, एक और इशू है जैसे कि सिक्योरिटी वाली, जिसपे इन्होंने बोला कि अभी जैसे आधार कार्ड आजकल कई लोग है ना ऐसे ही बना ले रहे हैं जहाँ तक अभी तक मैंने देखा, और वो आधार कार्ड के जरिए कोई भी आर्टिस्ट के पास सामने आ सकता है, किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने आ सकता है और वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें है ना, वही चीज वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी, वो आधार कार्ड के जरिए ना कोई भी किसी के भी पास पहुंच के उसको घात कर सकता है। जैसे कि अभी सलमान जी के ऊपर भी जो प्रॉब्लम हुआ, वैसे कई लोगों के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग देखे कि आप लोगों ने फिल्म डिवीजन में देखा होगा, फिल्म डिवीजन में एग्जीबिशन सेंटर लगा बना हुआ है, म्यूजियम है, उस म्यूजियम में कोरियोग्राफर का नामो निशान नहीं है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, सब लोगों का है, कोरियोग्राफर का नामो निशान नहीं, जबकि 1950 या 40 से भी अगर जब से फिल्म चल रही है तब से डांस गाना चला ही आ रहा है, लेकिन उसके लिए उसका किसी का भी मान सम्मान कुछ भी नहीं रखा गया है कहीं पर। तो ये सरकार से हम लोग चाहते हैं कि कोरियोग्राफर्स को है ना थोड़ा सा दर्जा दिया जाए, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री आज नाचती है, गाती है और एंटरटेनमेंट लेती है, तो वैसे चीजें हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट से वो बेनिफिट भी मिले। क्या है प्रोड्यूसर्स, अगर हर जो वर्कर्स होते हैं ना उनके बारे में सोचने लग जाएगा ना, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो सोल्यूशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ प्रोड्यूसर के हाथ में है वो सारा चीज, प्रोड्यूसर ही सारा देख रेख करता है अपने, जो फिल्म इंडस्ट्री चलती है प्रोड्यूसर के जरिए ही चलती है, डायरेक्टर भी ध्यान दे, प्रोड्यूसर भी ध्यान दे, जो HODs बोले जाते हैं वो अगर ध्यान दे देंगे ना, ये सारा प्रॉब्लम, सारे जो वर्कर्स हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज के गाना में कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं दिया जाता है, बहुत सही जगह क्रेडिट नहीं दिया जाता, कोरियोग्राफर का अक्सर तक मेंशन नहीं होता, तो आई थिंक ये भी आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग को लगा दिक्कत आती है, शायद अच्छा ही पहले था कि अब ये सब ज़्यादा हो रहा है, पहले से ही है एक्चुअली ये प्रॉब्लम, थोड़ा पहले से ही है। हाँ, और पहले जैसे कि बहुत सालों से हमारी इंडस्ट्री में एक कोरियोग्राफर का बहुत अहम हिस्सा रह चुका है, ये तो हम सभी जानते हैं। मतलब अगर फिल्म है तो गानों के बिना फिल्म नहीं हो सकती है, अगर गाने हैं तो फिर कोरियोग्राफर भी है। तो हम लोग जब उचित काम करते हैं, हम लोग इतने क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसके बावजूद हम लोग को कई बार देखा जाता है कि हमारा वो लिस्ट में नाम नहीं होता है, और उस नाम के लिए हमें बोलना पड़ता है उस क्रेडिट के लिए, तो थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है कि इतना सारा क्रिएटिविटी करके उस गाने को अच्छा बनाने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है एक गाना शूट करने के लिए, उसके बावजूद जो क्रेडिट नहीं मिलता उससे दुख तो हो रहा है हमें, बट अभी उसके लिए भी हमारी एक अलग जंग है, कोशिश कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर से, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है या म्यूजिक कंपनीज है, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी पे कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी को हम लोग दोष नहीं दे रहे, बस जो हमारी मेहनत का हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए, जैसे कि नाम है, जो भी फीस हम क्या लेते क्या देते वो अलग चीज़ है, हाँ वो अगर सेकेंडरी है, हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका हमें एक उचित क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है गानों में, दिन रात मेहनत करते हैं। अभी जैसे कोई भी गाना हिट होता है, अभी जैसे तोबा तोबा चल रहा है, तोबा तोबा ऑडियो तो वैसे भी है, बट ऑडियो से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है तोबा तोबा का हुक स्टेप ज़्यादा फेमस है, मतलब देखा जाए तो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग वन पे है गाना अभी भी वो, तो उस गाने का मतलब जो भी क्रेडिट है उस हुक स्टेप को करने का, तो डेफिनेटली कोरियोग्राफर की ओर जाता है। ऐसे बहुत गाने हैं बॉलीवुड में जिसके वजह से हम लोग कोई भी गाना बजता है तो आम जनता भी सीधा हाथ खड़े करके हुक स्टेप करती है, तो क्यों ना मतलब गाने को ऑडियो को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हुक स्टेप के हिसाब मतलब हुक स्टेप करता है या कोरियोग्राफर उस गाने को प्लान करता है, डिजाइन करता है, तो उसको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता,
वो मिलना चाहिए। हम सभी से इस सिलसिले में गुजारिश भी करने वाले, सभी से अपील भी करने वाले कि इस पर सोचा जाए, क्योंकि ये हमारा हक है, क्योंकि हमारी इस पर बहुत मेहनत होती है, तो आपको हमारा हक छीन नहीं सकते, देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है इशू, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, होपफुली सबके समझ में आए, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोरियोग्राफर ऑस्कर अवार्ड में उसका डांस मूवमेंट किया गया, कोरियोग्राफर का नाम ही नहीं लिया गया, तो ये वैल्यू जो है ना वो सिर्फ इधर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे कोरियोग्राफर में कितने लोग हैं, हुक स्टेप मतलब बच्चा बच्चा करता है, गणेश आचार्य जी, रेमो है, फरा जी हैं, मतलब कितने बॉस्को, मतलब बॉस्को सीजर हैं, कितने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर, वैभव मर्चेंट है, मतलब उन लोगों का है ना, मतलब वो स्टेप हिट हो जाता है, कई बार है ना नाम नहीं दिया जाता, तो ये समझ में नहीं आता है कि वो क्यों करते हैं। तो हम लोग सरकार से ये भी बोलना चाहेंगे कि कोरियोग्राफर्स को ना थोड़ा सा कहीं से सपोर्ट दिया जाए। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि डांस ही सिर्फ कोरियोग्राफ नहीं होता है, कई लोग का ऐसा है कि नाच लिया तो ये कोरियोग्राफर, बेसिकली वो नहीं होता है। जब गाना हमारे हाथ में आता है ना, तो गाने के डिज़ाइन से लेके, गाने के कॉस्ट्यूम से लेके, गाने आर्टिस्ट के लुक से लेके, लोकेशन से लेके, हर एक एक चीज़ पे बारीकी से हमें काम करना होता है। तो कोरियोग्राफ करना, गाना करना या सिर्फ डांस करने से रिलेटेड नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, तो ये भी समझना जरूरी है। बेसिकली गाने के डायरेक्टर ही कोरियोग्राफर होते हैं, इनफैक्ट यही बोला जा सकता है। नहीं नहीं, ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए, हाँ अभी जैसे जो हाँ सभी हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स है और सभी बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए। अभी धीरे धीरे हम लोग और कनेक्ट करके सबको एक साथ जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी से मिले हुए, कुछ बिजी होने के कारण आज आ नहीं पाए, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी शाम को आपको देखने मिल जाएगा, सारे लोग है, एकजुट है हम, और एक हाँ मजबूती से हमारा एसोसिएशन चला रहे, सभी का सपोर्ट है। शुक्रिया। मैं छाया माड़े कोरियोग्राफर हूँ और जॉइंट प्रेसिडेंट हूँ, और ये जो इवेंट चल रहा है ये, इस इवेंट के लिए हम लोग सीनियर्स लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए सब टीम मिलके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सर, जैसे जीत सर ने कहा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं मेंबर के लिए, मगर मेरी ये तमन्ना इच्छा है कि मेंबर ने भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते, कर रहे हैं, नहीं हम कर भी चुके हैं उनके लिए कुछ बहुत कुछ, तो अगर उनका सपोर्ट मिलेगा तो और बहुत कुछ हो सकता है एसोसिएशन के लिए। इतना ही। नंद जी, मेरा नाम है नरेंद्र पंडित, मैं पिछले 54 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ, ग्रुप डांसर से असिस्टेंट से कोरियोग्राफर, हमारे स्टेप यही है कोरियोग्राफर बनने की। तो ये आज का जो इवेंट है इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये है कि हम पुराने, नए और आने वाले हम सबको इकट्ठा करके फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, इसमें हमारा सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, हम सबको इकट्ठा बोला के जो बिल्कुल ही आज इतने मजबूर है कि वो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक पेंशन होती है वृद्ध कलाकार यानी तंत्रज्ञ मानधन, तो जो कलाकार उस कैटेगरी में बैठे हैं वो 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, अब काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो योजना है कि महीने का 5,000 रुपये की पेंशन आती है, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी, 12 लोगों को शुरू हो गई, इस बार और 10-11 लोगों की शुरुआत है, हम डांसरों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो इफ्टिका के दर्जे ये सब काम हो जाए ये मेरी बहुत इच्छा है, और ये जितने न्यू जनरेशन के लोग हैं हमारे ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत काम कर रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ तो प्रयोग करते रहते हैं, आगे भी दिमाग में आया है मेरे कि कुछ और डांस कॉम्पिटिशन ये वगैरह ऐसा कुछ भी करके इनकी मदद से मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम किरण गिरी है, मैं जॉइंट से रेडी हूँ इफ्टिका का। ऐसे इवेंट करके वही जैसे आप, जैसे नरेंद्र सर ने कहा, हम फंड इकट्ठा करेंगे और हमारे
जितने भी जरूरतमंद है उनको हेल्प करेंगे। ये कोशिश हमने पिछले साल MFCL क्रिकेट जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके थ्रू स्टार्ट किए थे। ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड ईयर है जहाँ पर हम लोग ने फुटबॉल इवेंट किया है। पहले क्रिकेट किया था, अभी फुटबॉल इवेंट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा इवेंट होते रहे। हमारे जो फिल्म स्टार हैं जैसे अभिषेक बच्चन, वहाँ पे उनके अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, इन्होंने हमें फंड किया है, हमें डोनेशन दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और रहा मेहनत के लिए, हमारे ऑफिस बेरर जो काफ़ी मेहनत से, अभी जैसे ये हमारे ग्रुप में काफ़ी सीनियर मोस्ट मेंबर है नरेंद्र जी, पिछले 50 साल से वो इस इंडस्ट्री में और मैं पिछले 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। तो देखा जाए तो हम लोग का जर्नी काफ़ी है, लेकिन इस जर्नी में हम लोग ने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है। तो छोटे छोटे, भले छोटा छोटा अमाउंट हो, लेकिन एक हेल्प हमारी तरफ से जा रहा है और होप कि ऐसा हेल्प हम लोग आगे भी करते रहे। थैंक यू। आपको कोई दूसरा क्वेश्चन? बेसिकली मेरा नाम इमरान सैयद है, मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक एसोसिएशन का हिस्सा है, कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है इट्स अ कम्युनिटी सर्विस। तो जो कोरियोग्राफर्स कम्युनिटी है, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स जो भी, उनकी तरफ काम करना, जिसके पास काम नहीं है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, किसको कोई तकलीफ है। The entire idea is basically association is very important. The lack of association leads to exploitation. तो exploitation किसी का ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काम करते हैं और देखते हैं कि सबको अपना सहूलियत रहे, किसी को मदद पड़े तो हम आगे बढ़कर वो करें। तो हम सब मिलके वही कर रहे हैं, ये इवेंट भी उसी के लिए है। बस यही है, बाकी सब लोगों ने सब बता ही दिया है। पूछना चाहती हूँ, जैसे जीत सर ने कहा, जैसे अभी सीजर ने भी कहा कि कोरियोग्राफर के लिए कुछ नाम के लिए गवर्नमेंट सोचना चाहिए। इतनी मेहनत होती है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उसके वजह से गाने, जो मुझे आगे नहीं बोलना है, मगर जो अभी जीत ने कहा और सीजर ने कहा, ये चीज गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से, और अब मैं कहना चाहूंगा प्रोडक्शन हाउसेज और स्टूडियो से भी, जो एक कोरियोग्राफर का नाम सोशल मीडिया के क्रेडिट से हटा देती है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। क्योंकि एक कोरियोग्राफर है जो दुनिया को नचाता है। जब गाना फेमस होता है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ गाने से फेमस हो जाता है, उसके मूवमेंट जो होते हैं लोग उसी पे थिरकते हैं। तो वो कराने वाला, एक वीडियो को अच्छा ना बनाने वाला है कोरियोग्राफर होता है। तो कोरियोग्राफर का बहुत अहमियत होता है एक मूवी के पीछे, ऐसा नहीं कि गाना स्टेप किया और निकल गया। तो वो एक बहुत जरूरी मुद्दा है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। आई होप इस मीडिया के माध्यम से हम वो कर पाए और इस मुद्दे को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। सिगरेट का खुशबू जो आ रहा है ना लेफ्ट साइड से मेरे, समझ गया लेफ्ट साइड में कौन था। सर आप लोगों का बहुत स्वागत है, इंडिपेंडेंस डे का मौका है और आप लोग फुटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया एक सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे कोरियोग्राफर्स के लिए। पूरी टीम इकट्ठा आप लोगों की हुई है, आज से पूरा एक पर्व जैसा लग रहा है, क्या माहौल रहा और क्या कुछ आज आप लोगों ने किया उस बारे में थोड़ा कहते हैं। लॉन्जाइनस फर्नांडिस चालू करेंगे वार्तालाप, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर मेरी टीम अपनी टीम कंटिन्यू करेगी। बोलो लॉन्जी सर। ये जो हो रहा है आज के दिन के हिसाब से इंडिपेंडेंस के नाम पे, ये उन लोगों के लिए जो शायद इंडिपेंडेंट इतना ना हो, दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, तो हम लोग ये फंड रेज कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा सीजर गोंसाल्विस का, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया कि बॉस दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, आई कैन ब्रिंग इन द स्पॉन्सर्स एंड दैट्स व्हाई ऑल द बिग नेम्स, जितने बड़े बड़े दिग्गज नाम लोग आपने देखा है, सब नामचीन लोग हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन साहब, टाइगर श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अपरचित, करण भाई, सोन एंड सो फोर्थ, ये लाने वाला इस मंच पर, ये इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उनके लिए हम लोग वाकई में बहुत खुश हूँ कि क्या है कि देयर आर सम पीपल हु आर लिटिल बिट डिप्राइव्ड एट एन एल्डरली एज वेर दे आर नॉट बीइंग एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। सो वी आर ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर देम, सो देयर विल बी 10 लकी पीपल हु विल गेट व्हाटएवर इट्स सपोज्ड टू बी गिवन, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस गेम एंड दैट्स द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस डे। दिस इज, इससे बेटर दिन तो आज मैंने कभी सोचा नहीं होगा। और रही बात फुटबॉल की, ये तो बहुत माहिर रही है क्षेत्र में और हम तो चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से खेलें, क्योंकि इन्होंने पूरे टीम को संभाला, पूरे टीम को ट्रेन भी किया
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बॉल का मतलब समझ में नहीं आया शुरुआत में, बट नाउ ऑन द फील्ड दे आर हैविंग अ बॉल, सो थैंक यू वेरी मच सीजन। पहली बात तो फुटबॉल जो गेम है इज माय लाइफ, डांसिंग पहली है और सेकंड लाइफ इज माय फुटबॉल। तो जब ही एसोसिएशन इफ्तिका ने बोला क्या टूर्नामेंट रखने वाले और 15 अगस्त को रखने वाले, तो मैं तो एक्साइट हुआ। मैंने जो भी मेरे दोस्त थे बॉलीवुड के, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी सर, अर्जुन कपूर, अपार शक्ति, करण वाही, कबीर खान, डीनो मौर्या, सब लोग को, टाइगर श्रॉफ, सब लोग को मैसेज भेजा कि मुझे ऐसा हेल्प चाहिए आपसे, आप क्या स्पॉन्सर कर सकते हो। अभिमन्यु भी जो एक्टर भाग्यश्री का बेटा है, उनको भी रिक्वेस्ट किया, वो आएंगे चीफ गेस्ट के लिए। तो उन्होंने इमिजिएटली मुझे बोला कि मैं इतना दूंगा इतना दूंगा, एवरीवन केम टुगेदर एंड आई वाज एक्साइटेड। एंड इफ्तिका, आई थिंक द ग्राउंड इज सुपर्ब, अभिषेक बच्चन ने पूरा ग्राउंड का पैसा भर दिया है, ऑल स्टार्स, बिग थैंक्स टू ऑल स्टार्स बिकॉज मैं ऑल स्टार्स के लिए खेलता हूँ। बंटी वालिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस यू नो प्लेटफॉर्म टू आस्क पीपल, माई फ्रेंड्स, एंड गेटिंग द टीम टूगेदर। आई नो डैनी, आई नो लॉन्जी, आई नो साहिल, जैक, पवन, ऑगी, समशाद, प्रियांशु, मनोज एंड माई पार्टनर बॉस्को। ये हम लोग यू नो बचपन से फुटबॉल खेलते हुए, लाइक लॉन्जी हैज प्लेड, डैनी हैज प्लेड, आई हैव प्लेड, बॉस्को हैज प्लेड। इनफैक्ट स्कूल में और कॉलेज में बॉस्को और मेरी फ्रेंडशिप फुटबॉल की वजह से हुई। तो वो गोल मारता था और मैं गोल सेव करता था और हम लोग का ये बॉन्ड बन गया एज अ टीम। तभी बॉस्को सीजर बॉलीवुड में आए, बिकॉज वी आर एज अ टीम वी प्लेड टुगेदर एंड वी हैव सर्वाइव्ड द फुटबॉल। कॉलेज में भी हम लोग ने चैंपियनशिप जीती, स्कूल में भी जीती, अभी ये प्लेटफॉर्म में आफ्टर आई थिंक आई एम 50 प्लस, ही विल बी 50, तो मज़ा तो है फुटबॉल में, खाली अभी माहौल बना है जीतने का। आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल, आई होप वी विन द फाइनल्स, आई एम प्लेइंग टू विन ओनली, एंड आई होप अदर टीम एंड द रेस्ट ऑफ द इफ्तिका फॉर डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट टूर्नामेंट। ये तो ट्रायल और एरर था और लर्निंग प्रोसेस था, बट नेवरदलेस आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। यही माहौल अगर सुबह के वहाँ होता था, ओवरकास्ट रहता था, तो और मज़ा आता था, बिकॉज धूप इतनी थी दो मैच खेलने में, सच्ची मेरे लैंग्वेज में फट गई थी सबके लैंग्वेज तो, लेकिन मज़ा आया। आई थिंक रेस्ट यू नो इज, यू कैन आस्क बॉस्को, बॉस्को विल कम एंड प्ले द फाइनल्स, ही इज अ स्टार, ही विल ऑलवेज बी अ स्टार। Yes. Talk about the problems that the credit often like the same problem. Yes. Yeah. जो आप कहना चाहते हो, बॉस्को ने जो इशू उठाया, बॉस्को मार्टिस इज द फर्स्ट गाय हु रेज दिस इशू, क्या ऑल द कोरियोग्राफर्स को क्रेडिट नहीं मिलते हैं, क्रेडिट हम लोग का नाम नहीं जाता है, लॉन्जी करेगा गाना, नाम उधर सबका आएगा, लिरिसिस्ट का आएगा, लेकिन कोरियोग्राफर का वी हैव टू बेक। एंड तो बॉस्को का ये टॉपिक है, आई सपोर्ट दैट कॉज, आई रियली सपोर्ट, बट आई एम बीन सपोर्टिंग हिज कॉज एंड अदर कॉजेज सिंस वी स्टार्टेड अ करियर, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बट अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज आ रही है, लगता है वेब सीरीज जो जावेद अख्तर साहब और सलीम जावेद के ऊपर है, तो उन्होंने, मुझे पता नहीं था दे ऑल्सो फॉट फॉर देयर नेम, आई थिंक दैट वॉज सो आई थिंक बॉस्कोज फाइट फॉर एवरी वन, फॉर ऑल ऑफ अस टू, आर नेम शुड बी देयर, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग। जब भी पिक्चर 100 करोड़ करती है, हम लोग एक गाना करेंगे, जय जय शिव शंकर फॉर एग्जाम्पल, गाना तो हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, रॉयल्टी थोड़ी मिलता है, प्रोड्यूसर लेके जाता है, उसमें नाम भी नहीं डालोगे। सो वी प्लीड एंड वी रिक्वेस्ट, अगर थोड़ी इज्जत मिलेगी कोरियोग्राफर्स, वी आर टेक्नीशियंस, वी आर HODs यार। मैं मेरे डांसर्स को भी जब भी शो करता हूँ, ये करता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ, दे आर बैकबोन असिस्टेंट्स, दे आर बैकबोन, इफ यू डोंट सपोर्ट आर टीम, तो जैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, we work in a movie as a unit, as a crew, so we are, it's our team na,
कोई पिक्चर हिट होती है तो टीम के वजह से होती है, तो अगर थैंक यू बोलेंगे तो मेहरबानी होगी प्लीज। हमारा टीम है वेलिंगटन फीनिक्स और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया है और यहाँ पे आके हमारा तजुर्बा काफ़ी अच्छा रह चुका है। एग्जीबिशन मैच खेलने के सामने आप लोगों के सामने प्रदर्शन करना ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, तो उसके लिए मैं उनके सेक्रेटरी जीत सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा और मेरी टीम के तरफ से और मेरी तरफ से इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन के लिए तालियां होना चाहिए प्लीज। थैंक यू I will speak in English because that's my strong point, and we were invited by the by the Indian Film, please the camera should be there, Indian Film and Televisions and Association, which was a wonderful invitation for us because we are playing almost after a break of almost a year. Mr. Jeet has been very nice to invite us, and I will carry on speaking, but first I want my team to give him a big hand. We are basically Kings United FC, which is a very old club, which basically focuses on individual training. Now, what is individual training? Individual training is nothing but preparing players for India. As I repeat, India. So it starts with state level, and then we go ahead to the Indian level, Indian national level. In this, we work on the strengths and weaknesses of our player, and we have already proven players. We have Carsten D'Souza, an India camp player of the under 15. Put your hand up. Please give him a big hand, please. We have Shia Suryapalli, who is the captain of the team. He's a national player. Please give him a big hand. We have Piyush Gupta. He's also a national player and also a hardworking player and has played many tournaments in the development league. Give him a big hand. We have even a gentleman. What's your name, please? Nikhil, who's a Durand Cup player, which is happening now. So please give him a big hand. We have a lot of players, Damodar, Pratham, Vedant, who's amazing, and they are all very talented. What's the stepping stone is what the Cinematographer Association has done, is given us an opportunity to show our talent. So hats off to Mr. Jeet and team. Give them a big hand. Thank you very much. Yeah. ब्राउनी, इसके डैड आदित्य गायकवाड़, इसके डैड कोरियोग्राफर है, तो उन्होंने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ये टूर्नामेंट होस्ट किया है, तो ही टोल्ड अस 10 डेज प्रायर के टूर्नामेंट होस्ट होने वाला है, तो तू तेरी टीम लेके आ जाना। मैंने बोला ठीक है श्योर, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नो वन वॉन्ट्स टू मिस इट। सो वी ट्राइड कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हम लोग इकट्ठे कर सके, बट वी कुडंट बिकॉज एवरी वन हैड देयर ओन प्लान्स, सो दे कुडंट। सो ये इंडिपेंडेंट टीम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये टीम की केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ हार्डली ज़्यादा खेले हैं, तो एक दो गेम खेल चुके एक से एक दूसरे के साथ। स्टार्टिंग विथ हिम, ही इज आदित्य गायकवाड़, द गोलकीपर ऑफ आर टीम, ही इज आर्यन हिरवे, यस He's ishan pastey, I am attacking midfield. Yeah, thank you, thank you, sir.